चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी निर्वासन, मेरे यानी भावना के साथ। परशुराम ने मर्यादा से कड़ी आवाज में कहा, दहलीज में ही रुक जाओ। मर्यादा ने पूछा, ऐसा क्या हो गया कि मुझे दहलीज में रुकने के लिए कह रहे हो? मुझे छूत लग गया क्या? तुम्हें घर के अंदर आने से पहले यह बताना होगा कि इतने दिनों से कहाँ और किसके साथ थी, अब यहाँ कैसे और किसके साथ आई हो? परशुराम ने पूछा। मर्यादा बोली, इन बातों को पूछने का बाद में समय नहीं मिलेगा क्या? परशुराम कहने लगे, नहीं, तुम्हें अभी जवाब देना होगा। हम दोनों साथ में ही नदी से बाहर निकले थे, तुम मेरे पीछे ही तो चल रही थी, लेकिन अचानक कहाँ चली गई थी? दुखी आवाज़ में मर्यादा बोलने लगी, आपने देखा नहीं था कि वहाँ अचानक नागापंथ के साधुओं का हुजूम आ गया था? सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, तभी मुझे धक्का लगा और मैं ना जाने किस दिशा में चली गई। जैसे ही थोड़ी भीड़ कम होने लगी, मैंने आपको खूब पुकारा। अच्छा, तब क्या हुआ? परशुराम ने पूछा। आप कहीं भी नहीं दिखे तो मैं रोने लग गई, संध्या तक वहीं बैठी। फिर एक लड़के ने आकर मुझसे पूछा कि तुम खो गई हो। मैंने जैसे ही हाँ कहा तो उसने मुझसे घर का पता और पति का नाम पूछकर एक डायरी में लिख लिया। फिर मुझे कहा कि तुम्हें घर तक हम पहुंचा देंगे, बस तुम अभी मेरे साथ चलो। मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था तो मैं उसके साथ चल दी। परशुराम ने एकदम पूछा, वो तुम्हें कहाँ ले गया और वो कौन था? मर्यादा बोली, वो एक समिति का सेवक था जो मुझे अपने कार्यालय लेकर गया था। वहाँ उनका अध्यक्ष और कई सारे स्वयंसेवक थे। उन्होंने मेरा पता एक रजिस्टर में लिखा और एक घर में भेज दिया जहाँ खोई हुई कई सारी महिलाएं थीं। परशुराम ने सवाल किया, तुमने उस अध्यक्ष से तभी क्यों नहीं कहा कि मुझे घर भेज दीजिए? मर्यादा ने कहा, मैंने कई बार उनसे मुझे घर पहुँचाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार यही कहते थे कि मेला खत्म होने के बाद वो सारी महिलाओं को एक साथ ही घर भेजने की व्यवस्था करेंगे। इसकी वजह पैसे और लोगों की कमी थी। मैंने उन्हें कहा कि मेरे गहने ले लीजिए और घर पहुंचा दीजिए, इन गहनों के अलावा भी मैं और ज़्यादा पैसे दे सकती हूँ, बस मुझे मेरे पति के पास तक पहुंचा दो। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे भी अन्य स्त्रियों के बारे में जब पता चला तो थोड़ी राहत मिल गई थी। परशुराम बोले, ठीक है, लेकिन तुमने मुझे तार क्यों नहीं लिखवाया? मर्यादा ने बताया कि मैं पूरी रात उन महिलाओं के साथ उसी कमरे में थी। अगले दिन मैंने सोचा कि जब ये लोग मुझे घर भेज ही देंगे तो तार की क्या ज़रूरत। फिर परशुराम पूछने लगे, रात भर सारी महिलाएं एक ही कमरे में थीं तो कमरे में युवक भी आते जाते रहे होंगे? मर्यादा ने जवाब दिया, नहीं नहीं, केवल एक बार कोई युवक खाने के लिए पूछने आया था। जब सबने खाना खाने से मना कर दिया तो वो लौट गया। उसके बाद एक महिला के पेट में दर्द उठा तो अध्यक्ष साहब 2-3 बार दवा पिलाने कमरे में आए थे। झट से परशुराम ने कहा, देखो अब निकली ना असली बात, मैं इन लोगों को खूब अच्छे से जानता हूँ। मर्यादा नाराज होते हुए बोली, आप किसी सज्जन व्यक्ति पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, वो मेरे पिता के उम्र के थे। दूसरा, उनकी आंखें हमेशा नीचे रहती थीं। परशुराम बोले, हाँ, वहाँ के सारे आदमी देवता थे। तुम ये बताओ कि अगले दिन क्या हुआ? मर्यादा ने कहा, अगले दिन भी मैं वहीं रही। दिन के समय एक स्वयंसेवक हम सभी महिलाओं को कई पवित्र स्थल लेकर गए। लौटकर सबने खाना खाया। परशुराम ने पूछा, तुम वहाँ महिलाओं के साथ आनंद लेती रहीं? मेला तो अगले दिन ही खत्म हो गया था, खाना खाने के बाद तो गाना बजाना भी हुआ होगा। मर्यादा ने बताया, नहीं, गाना बजाना तो नहीं हुआ, लेकिन सारी महिलाएं अपने दुख के बारे में बात करती रहीं। शाम को मेला उठा तो उसके बाद 2 सेवक सारी महिलाओं को स्टेशन लेकर गए। परशुराम बोले, तुम तो यहाँ 7वें दिन आई हो और वो भी अकेली? मर्यादा बोली, हाँ, स्टेशन में कुछ दुर्घटना हो गई थी जिस वजह से देरी हो गई। परशुराम ने कहा, क्या हुआ था? मर्यादा ने बताया कि जैसे ही वो सेवक टिकट लेने गया तो एक आदमी ने कहा कि गोपीनाथ धर्मशाला में एक इंसान ठहरा हुआ है,
जिसकी पत्नी खो गई है। उसने जैसा हुलिया बताया वो मुझसे मिलता जुलता था। उस आदमी ने मुझे देखकर कहा कि आप उनकी पत्नी जैसी लग रही हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम बाबूजी को पहचानते हो? उसने जवाब दिया, मैं उनको नहीं जानता तो आपको क्यों खोजता? आपका बच्चा काफ़ी रो रहा है। तब सारी औरतों ने कहा कि चली जाओ, तुम्हारे पति परेशान हो रहे होंगे। उन स्वयं सेवकों ने उस व्यक्ति से 2-3 बातें पूछकर मुझे उसके साथ भेज दिया। दिल खुश था कि अब अपने परिवार से मिलूंगी, लेकिन मेरा भाग्य ऐसा कि मैं किसी गलत इंसान के हाथ पड़ गई। परशुराम ने हैरान होकर पूछा कि आखिर कौन था वो जिसके साथ तुम चली गई थी? मर्यादा ने कहा कि मुझे लगा कि वो कोई दलाल ही रहा होगा। परशुराम ने सवाल किया कि तुमको इतना होश नहीं हुआ कि उसे कह दूं कि बाबूजी को यहीं भेज दो? मर्यादा तुरंत बोली, मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी। अब तुम फिजूल की बातें मत करो और ये बताओ कि वो आदमी तुम्हें कहाँ ले गया? परशुराम बोले, मर्यादा मुझे लज्जा आती है, अब क्या बताऊँ आपको? परशुराम, तुम्हें तो यहाँ आने पर और भी लज्जा आनी चाहिए। मर्यादा बोलने लगी, देखिए मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है, भगवान की कसम खाकर कहती हूँ। परशुराम ने पूछा कि क्या तुम उसका चेहरा कैसा था बता सकती हो? मर्यादा ने बताया, वो छोटे कद का गहरे रंग का आदमी था, लंबा सा कुर्ता पहने हुए और गले में तावीज भी था। परशुराम ने कहा, अरे वो तो धर्मशाला में झाड़ू देने वाला था, मैंने उसको तुम्हारे खोने की जानकारी दी थी, उसने इस बात का इस तरह से फायदा उठाया? मर्यादा बोली कि वो तो ब्राह्मण जैसा लग रहा था। परशुराम कहने लगे, नहीं नहीं वो मैतर यानी झाड़ू देने वाला ही था, वो तुमको अपने घर लेकर गया था। मर्यादा ने बताया कि उसने पहले मुझे एक तांगे पर बैठने को कहा और फिर एक तंग गली से किसी मकान में ले गया। उसने फिर कहा कि तुम्हारे बाबूजी यहीं आएंगे। फिर मुझे लगा कि उसने मुझे झांसा दिया है। कुछ देर बाद एक बुढ़िया आई और मुझे लालच देने लगी। पूरी रात मैं रोती ही रही। अगले दिन बुढ़िया ने कहा कि तुम रोकर मर भी जाओगी तो भी तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। उस झाड़ू मारने वाले और बुढ़िया ने कहा कि तुम्हारा एक घर छूट गया है, अब हमारी बात मान लो तो तुम सोने से लद जाओगी। तभी मैंने स्वयं को ख़त्म करने का निर्णय ले लिया। परशुराम ने मर्यादा को रोकते हुए कहा कि ठीक है, मैंने मान लिया कि तुमने अपने सतीत्व को ख़त्म होने नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना नहीं सकता हूँ। मर्यादा ने कहा कि स्वामी आप ऐसा मत कहिए, मैं आपकी वही पहले वाली पत्नी हूँ, मुझे किसी ने छुआ भी नहीं है, आपका ऐसा करना मेरे साथ अन्याय होगा। परशुराम ने कहा कि यह अन्याय नहीं बल्कि भगवान का खेल है, मैं 6 दिनों से यही सब सोच रहा हूँ, मुझे समाज की चिंता नहीं है, लेकिन तुम पर किसी दूसरे की नज़र पड़ी, अब मैं तुम्हें कैसे अपनी पत्नी के भाव से देखूँगा? मर्यादा बोलने लगी, क्या आपको मेरी स्थिति पर दया बिल्कुल भी नहीं आती है? परशुराम ने कहा, घृणा के स्थान पर दया बिल्कुल भी नहीं आ सकती है, मैं जीवन भर के लिए तुम्हारा खर्च उठाऊंगा, लेकिन अब तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, किसी गैर पुरुष के साथ एक क्षण रहने से भी पतिव्रता पूरी तरह नष्ट हो जाता है। मर्यादा ने पूछा, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी? परशुराम ने कहा कि हाँ मेरी अंतिम इच्छा यही है। मर्यादा बोली, ठीक है फिर, लेकिन क्या तुम मुझे वासुदेव को अपने संग ले जाने दोगे? परशुराम बोल पड़े, बिल्कुल नहीं, वो मेरा बेटा है। मर्यादा ने पूछा, क्या मैं उसे आखिरी बार देख सकती हूँ, अपने बेटे को प्यार कर सकती हूँ? परशुराम ने जवाब दिया, मेरा मन तो नहीं है, लेकिन तुम्हें मन हो तो दूर से ही देख लो। मर्यादा ने कहा, ठीक है अब जाने दो, सोच लूँगी कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था और मैं विधवा हूँ, आज से भाग्य मुझे जहाँ ले जाएगा मैं वहीं जाऊँगी। कहानी से सीख यह मिलती है कि विपरीत परिस्थिति में किसी भी गैर पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, अपनी आँख और कान के साथ ही बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए
और ये कहानी यहाँ समाप्त होती है।